Today I'm leaving my normal boring life behind and going on a new adventure for you guys. This place is known as Queen of Hells. From going solo to meeting unknown people and becoming friends, that's part of it. It's not a journey for me, it's a memory which people, place, adventure makes it more memorable. Come on boys and girls, join me, let's see incredible India together! गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ, बताओ भैया कहाँ आया हूँ? भैया कोई भी नहीं है, मैं ही बताऊंगा। आज मैं आया हूँ मसूरी, तुम लोगों को मसूरी घुमाने और खुद भी घूमने। यार मैं बहुत साल पहले ना घर वालों के साथ मसूरी आया था, और घर वालों के साथ यार अलग एक्सपीरियंस होता है ना, और सोलो का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आज मैं सोलो आया हूँ तुम्हें मसूरी घुमाने और खुद भी घूमने। खुद का एंजॉयमेंट तो बहुत जरूरी है यार। मैं अपनी ट्रैवल जर्नी को ज्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया बिकॉज मैंने लास्ट मोमेंट पे ही ट्रेन बुक करी थी। तत्काल में मैंने राजधानी बुक करी थी जो नई दिल्ली से देहरादून जाती है, जो सुबह 6:45 पे दिल्ली से चलती है और 12:55 पे देहरादून उतार देती है। तो मैंने यार ऑफिस का शिफ्ट खत्म करी थी और थका हुआ था, और प्लस वो भाग भाग के मैंने ट्रेन पकड़ी थी, तो जिसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, ट्रेन जर्नी इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद जब जंगल आता है ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो सच में एक एक्सपीरियंस है, जो आपको वो व्यू मिलता है ना, वो ट्रेन से ही मिलेगा, वो बस से नहीं मिलेगा, वो किसी और चीज से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ट्रेन से ही मिलता है। एंड दैट वॉज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड आई लव इट, आई पर्सनली लव इट। इस हसीन वादियों वाले रास्ते से इस ट्रेन जर्नी को जो मजेदार बनाया वो अमन ने बनाया। हमने खूब बातें करी, खूब मस्ती करी, और वक्त का पता ही नहीं चला कि कब देहरादून आ गया। जो भी लोग ट्रेन से आ रहे हैं ना और स्पेसिफिकली मसूरी जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे काम की चीज ये है, किसी ऑटो वाले के चक्कर में मत फंसना। वो आपको सीधा देहरादून ISBT ले जाएगा। वहां से भी बसेस जाती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। रेलवे स्टेशन के साथ ही में एक छोटा सा बस स्टैंड है जहां से आपको मसूरी की बस मिल जाएगी, और सिर्फ 80 रुपीज लगते हैं। गवर्नमेंट बसेस चलती है, लोकल बसेस चलती है, 80 रुपीज में आप सीधा एक घंटे के अंदर मसूरी पहुंच जाओगे। दोस्तों ये मेरा रूम है, आओ दिखाता हूँ अंदर से। ये मैंने मसूरी में बुक करा है, और काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है, अच्छा है, एकदम स्ट्रेट अवे सनलाइट आ रही है। और ये देखो कितना नीट एंड क्लीन है, और TV भी है यहाँ पे, सोफ़ा भी है, अलमारी भी है, ये सब मेरा सामान पड़ा है थोड़ा सा, और चेकआउट अलमारी भी है आपका लगेज वगैरह रखने के लिए, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है। वॉशरूम दिखाता हूँ, ये देखो सोफा भी है, ये भी मैं नहा के हटा था, तो वॉशरूम भी क्लीन है, इट्स प्रीटी गुड, और अच्छा है। अब मैं यार तुम्हें रूम का टूर तो दे ही चुका हूँ यार, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज 920 रुपए के अंदर इतना बड़ा रूम मिलना पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है, बिकॉज मैंने बहुत सारे होटल देखे और बहुत महंगे भी आ रहे थे और बहुत सस्ते भी आ रहे थे। हॉस्टल का यार सोलो के लिए हॉस्टल का बेड 500 रुपए का आ रहा था, तो 2-400 डाल के डबल बेड मिल रहा था, तो दिक्कत क्या थी। और इतना बड़ा रूम है, ये होम स्टे है, और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन यार सच में बहुत प्राइम जगह पे है। प्राइम जगह मतलब मॉल रोड पे है, प्लस यहाँ पे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है। सामने डोमिनोज है, और आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ पे आप अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अच्छा खाना, पेट भर खाना खा सकते हो। और मैंने अपने दोस्तों को, जोश और मौली को भी रेकमेंड किया, और वो लोग भी अभी मूव हो रहे हैं, यहाँ पे आएंगे और वो लोग भी स्टे करेंगे इस प्रॉपर्टी पे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 रूम्स हैं बड़े बड़े, और अच्छे रूम्स हैं, क्लीनिनेस है, और स्टाफ भी अच्छा है, और प्राइस भी अच्छा है। मेन तो प्राइस की बात आती है, प्राइस, लोकेशन, स्टाफ, एवरीथिंग मैटर्स, राइट। तो अगर आप कभी आ रहे हो तो ये वसंत वाटिका है मॉल रोड पे, तो आप आओ यहाँ पे, मेरा नाम ले सकते हो, मेरा नाम चलता है इतना, यहाँ पे चला चुका हूं मैं नाम अपना। एक चीज और काम की बताता हूं, बहुत काम की, मतलब ये रूम फैमिलीज के लिए भी अवेलेबल है और कपल फ्रेंडली है। कड़ोड़ी पा, कपल फ्रेंडली, मैं तो सोलो आया हूं, बट जो भी कपल आ रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, कपल फ्रेंडली है, और एकदम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी जाओ कभी भी आओ, और आप कुछ भी खाने पीने के लिए ला सकते हैं, सब कुछ आपका अपना होगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, आई लाइक इट। और अभी यार मसूरी में ना इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, मतलब
शाम को थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, मतलब जैकेट वैकेट डाल लोगे तो यूर ऑल सेट, बट हाँ दिन में थोड़ी सी गर्मी है, बिकॉज ऑफकोर्स दिन में तो यार पहाड़ों में थोड़ी सी गर्मी होती ही है, बट ऑल टुगेदर वेदर बहुत अच्छा है और मॉल रोड पे सैटरडे संडे वीकेंड पे क्राउड रहता ही रहता है। और अगर आप यार सैटरडे संडे आ रहे हो ना तो पहले बुकिंग करके आना, मेरी तरह गलतियां मत करो, क्योंकि मैं तो लास्ट मिनट पे चीजें करता हूँ और मेरे लिए काम भी कर जाती है और कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, विच इज आई एम ओके विद दैट, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन समटाइम्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि सड़क पर तो सोऊंगा नहीं और पैदल तो जाऊंगा नहीं, तो इसलिए। बट आप लोग पहले ही बुकिंग करके आना, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ होता है। और अगर आप यहाँ पे स्कूटी रेंट करते हो, स्कूटी का प्राइस जो है ना 500 रुपए है हर जगह, पूरे मॉल रोड पे आपको कोई स्कूटी देगा तो 500 रुपए की स्कूटी दे रहा है, और मैंने 400 रुपए की ली थी, बिकॉज थोड़ा बातचीत करो, डिस्काउंट करो। बहुत सारे बंदों से बात करी थी लेकिन किसी ने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, बट मुझे एक लड़का मिला था एंड ही वॉज वेरी स्वीट, और मैंने उसे बड़े प्यार से बात करी तो वो खुश हो गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, तो उसने मुझे स्कूटी 400 रुपए की दे दी, और उसके अंदर पेट्रोल आपका अपना होता है। और स्कूटी इज द बेस्ट, पहाड़ों में स्कूटी रेंट करो और जहां मर्जी अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूमो, फुल अयाशी, फुल मस्ती मस्ती, यस। अभी हम चल रहे हैं बाहर मॉल रोड घूमने, बिकॉज ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, और मेरे लिए अभी बहुत सारी चीजें कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जगह दूर दूर भी हैं, तो कल दिन में निकलूंगा मैं और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। और मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप टाइम से मसूरी पहुंच जाते हैं तो मॉल रोड आप शाम को भी घूम सकते हो, दिन में भी घूम सकते हो, लेकिन शाम का व्यू सच में बहुत अच्छा है क्योंकि क्राउड भी बहुत सारा होता है और वीकेंड है। लेकिन आप रोपवे लेके ना, रोपवे लेके गन हिल जाना, गन हिल मैं तो नहीं जा पाऊंगा शायद से, और कल मुझे नहीं पता कि मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं लैंडोर जा रहा हूँ और लैंडोर के बाद फिर मैं हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, सो इट विल गोना कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, और गन हिल के लिए मुझे नहीं पता टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आई विल ट्राई। और अगर मैं नहीं गया तो आप लोग जरूर जाना, गन हिल पास ही में है, रोपवे लो, रोपवे का मजा लो और जाके ऊपर व्यू का मजा लेके आना और मुझे भी बताना। यार ये जो सामने तुम पीक देख रहे हो ना, ये है गन हिल, और वहां से रोपवे जाती है और जो आपको ऊपर ले जाती है, वहां का गन हिल पॉइंट है, तो वहां से आप पूरा व्यू ले सकते हैं। ये है माल रोड। रात में माल रोड कुछ ऐसा दिखता है, लोगों की भीड़ से भरा हुआ, रात को चमचमाता माल रोड। मॉल रोड पे वॉक करते, शॉपिंग करना, प्लस रेस्टोरेंट्स और कैफेज को एंजॉय करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और रात में चमचमाती लाइट में देहरादून चमकते हुए कुछ ऐसा दिखता है मसूरी की मॉल रोड से। अगर आप कभी मसूरी नहीं गए हो तो होके आओ, पहाड़ों की रानी से मिल के आओ। अब आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नए एडवेंचर और नई लोकेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।